good morning 10th class students as you all know that we have already completed our third chapter metals and non metals now today i am going to discuss the ncert exercise some of the question i have already written and some of the question i will tell you orally so for that you have to be with your ncert books when you are going to watch the videos okay so the first question is you have to give an example of metal which is a liquid at room temperature you know this very well mercury

नेक्स्ट क्वेश्चन है यू हैव टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मिलिएबल एंड डक्टाइल तो आपको पता है मिलिएबल क्या होता है मिलिएबल और डक्टाइल का मतलब क्या होता है मेलिएबिलिटी होती का मतलब है द प्रॉपर्टी ऑफ कन्वर्जन ऑफ मेटल इनटू थिन शीट्स बाय हैमरिंग इट ठीक है बाय हैमर हैमर का यूज़ करके जब आप मेटल को थिन शीट्स में कन्वर्ट करते हो दैट इज़ मिलिएबल डक्टाइल क्या होता है मेटल्स कैन बी ड्रॉन इन टू वायर्स मेटल को वायर में हम इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं थिन वायर में दैट प्रॉपर्टी इज़ नोन एज डक्टाइल नेक्स्ट क्वेश्चन वाई सोडियम कैप्टिन कैरोसिन ऑयल आपको पता है दैट सोडियम इज़ अ वेरी रिएक्टिव मेटल इट रिएक्ट ग्रसली विद वाटर एंड ऑक्सीजन प्रजेंट इन एयर एंड इवन कैच फायर आपको पता ही है दैट सोडियम को अगर आप एटमोसफियर में रखते हो इन आर एटमॉसफियर ऑक्सीजन एंड वाटर आर प्रेजेंट सो आपने इसकी रिएक्शन देती है द रिएक्शन इज़ हाईली एक्जोथॉमिक इनफैक्ट जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है वो बर्न हो जाता है इतना हीट प्रोड्यूस होती है सो एज वी ऑल नो डैट सोडियम हिज रिएक्ट विगरेसली मतलब बहुत फास्टली रिएक्ट करता है विद ऑक्सीजन एंड वाटर प्रजेंट इन द एटमोसफियर एंड इवन कैचेज फायर तो उसे प्रिवेंट करने के लिए फ्रॉम फायर वी कैप्ड सोडियम एंड पोटेशियम ऑल्सो इन कैरोसिनॉय नेक्स्ट यू हैव टू राइड द इक्वेशन फॉर फॉर द रिएक्शन ऑफ आपको इक्वेशन लिखनी है आयरन विद स्टील स्टील मीन्स वाटर इन दैसे स्टेट आपको ये रिएक्शन नोट्स में यवन है एफ ई प्लस एच टू स्टीम आपको पता है आयरन स्टीम के साथ रिएक्ट करता है नाइडर रिएक्ट विद हॉट वाटर और कोल्ड वाटर सिर्फ स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा नेक्स्ट है कैल्शियम विद वाटर कैल्शियम एंड पोटेशियम विद वाटर कैल्शियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है लास्ट प्रोडक्ट विल भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम के साथ रिएक्ट करेगा वाटर तो लास्ट प्रोडक्ट विल भी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्थ सो हे इज योर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है सैम्पल्स आई होप इट इज विजिबल टू यू आई एम रीडिंग दिस क्वेश्चन आपको जब बुक देखोगे आपको समझ में आ जाएगा सैम्पल्स ऑफ फोर मेटल्स ए बी सी एंड डी वर टेकन एंड एडिड टू द फॉलोइंग सॉल्यूशन वन बाय वन ए बी सी डी फोर मेटल हैं उनका सात कुछ सोल्यूशंस लिए हुए हैं आयरन सल्फेट लिया है कॉपर सल्फेट जिंक सल्फेट सिल्वर नाइट्रेट ओके नाउ आफ्टर वॉचिंग द स्टेबल यू हैव टू टेल द फॉलोइंग आंसर फर्स्ट वॉल विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल सेकेंड वन वॉट यू डू ऑब्जर्व इफ बी इज आर इड टू सोल्यूशन ऑफ कॉपर टू सल्फेट नेक्स्ट अरेंज द मैटर ए बी सी डी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अब पहले आप देखिए जहाँ पर ये डैश लग रहा है इट मीन्स हमने इस मेटल की रिएक्शन के साथ नहीं किया इसका मतलब ये है यहाँ पर जहाँ डैश लगा हुआ है इट मीन्स हमने यहाँ पर रिएक्शन नहीं किया हमने मेटल बी में कॉपर सल्फेट नहीं ऐड किया हमने मेटल ए में जिंक सल्फेट नहीं ऐड किया अब आप रिएक्शन देखिए आपको इसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज़ याद होनी चाहिए ठीक है आयरन सल्फेट कॉपर सल्फेट जिंक सल्फेट सिल्वर नाइट्रेट ये आपको फाइव से फोर सोल्यूशन दिए हुए हैं फर्स्ट आप मेटल ए देखिए आयरन सल्फेट के साथ नो no रिएक्शन ठीक है अगर मेटल ए इज़ मोर रिएक्टिव देन आयरन तो रिएक्शन हो जाती ठीक है इट मीन्स आयरन से तो लेस रिएक्टिव होगा मेटल ए इतना मुझे पता चला है कॉपर सल्फेट में इट विल शो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इट मीन्स ही बात है मेटल ए जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन से तो नीचे आएगा लेकिन कॉपर से ऊपर आया होगा उसके बाद मेटल बी देखिए डिस्प्लेसमेंट इट विल शो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विद आयरन सल्फेट इट मींस जब आप मेटल बी की रिएक्शन आयरन सल्फेट के साथ करते हो तो आयरन को डिस्प्लेस कर देता है इसलिए मींस सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा मेटल बी क्योंकि आप यहाँ पर देखिए आयरन कॉपर जिंक और सिल्वर नाइट्रेट जिंक सल्फेट के साथ तो किसी ने रिएक्शन नहीं दी ठीक है इट मीन्स सारे मेटल्स आपके जो दिए हुए ये जिंक से तो लेस रिएक्टिव है तो ये वाला ऑप्शन जो था जिंक का हमारा खत्म हो गया अब हम आयरन का कंपैरिजन आयरन सल्फेट के साथ कंपैरिजन देख सकते हैं बिकॉज कॉपर कॉपर सल्फेट में कॉपर है इट लाई वेरी बिलो इन द रिएक्टिविटी ये सीरीज एंड सेम विद द सिल्वर नाइट्रेट ठीक है तो मेटल ए आयरन सल्फेट के साथ नो रिएक्शन मेटल बी विल दिल डिस्प्लेसमेंट, मेटल सी नो रिएक्शन मेटल डी नो रिएक्शन मेटल डी तो देखिए किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा ठीक है इट मीन्स मेटल डी किसी को रिप्लेस नहीं कर पाया ना इधर इट डिस्प्लेस आयरन कॉपर जिंक और सिल्वर इट मीन्स सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन सा है मेटल डी उसके बाद मेटल सी देखिए मेटल सी डज नॉट डिस्प्लेस आयरन सल्फेट डज नॉट डिस्प्लेस कॉपर सल्फ कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट डज नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट एंड इट विल डिस सिल्वर फ्राम सिल्वर सल्फेट इट मीन्स ऑब्वियसली बात है मेटल सी की रिएक्ट मेटल सी ने एटलीस्ट सिल्वर नाइट्रेट के साथ तो रिएक्ट किया तो विच नाउ विच वन इज मोर रिएक्टिव तो डी और सी में ज्यादा रिएक्टिव कौन गया डी इज द लीस्ट रिएक्टिव सी इज मोर रिएक्टिव ए देखिए ए कॉपर के साथ रिएक्ट कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो कर रहा है ठीक है इट मीन्स ए ए uh, आपको ए ने आपको किसको डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन और बी ने किसको किया है आयरन को फ्रॉम आयरन सल्फेट सोल्यूशन तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी हो गई बी की फिर ए फिर सी और फिर डी इट मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या हो गया डी सी ए बी ठीक है अब देखिए व्हाट वुड यू ऑब्जर्व अच्छा विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेडल ऑब्वियसली बात है बी होगा इस केस में तो नेक्स्ट व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इफ बी इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट अब आपने देखिए यहाँ पर बी को अगर कॉपर सल्फेट के साथ हमने यहाँ रिएक्ट नहीं किया अगर रिएक्ट करे व्हाट विल हैपन तो अब आप देखिए जब बी ने आयरन सल्फेट सोल्यूशन के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो कर दी तो क्या वो कॉपर के साथ नहीं करेगा बी इज मोर रिएक्टिव देन एफ ई जो आपका मेटल भी है इट इज़ मोर रिएक्टिव देन एफ ई जब एफ ई से भी ज़्यादा रिएक्टिव है तो कॉपर से तो ज़्यादा रिएक्टिव होगा या नहीं तो इसका आंसर क्या होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आई होप कि आपको ये ऑर्डर आप, मैंने बता ही दिया है आप इसे दोबारा से रिएक्शन फॉर्म में मैं ज़्यादा हिंट नहीं दे रही आई एम जस्ट मैंने थोड़ा सा हिंट दिया है आपको कि आप किस तरीके से सोचोगे सब टू यू कि आपको करना है ये क्वेश्चन व्हेन यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट देन यू कैन आस्क मी वंस अगेन बट सोचो इसको मैंने थोड़ा सा इंडे दिया है वॉच द वीडियो अगेन एंड अगेन फॉर दिस क्वेश्चन ओके चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हमारा हो गया नेक्स्ट आ जाइए आप लोग क्वेश्चन नंबर सिक्स पे ठीक है आपको क्वेश्चन नंबर सिक्स में जो दिया हुआ है मैं उसका थोड़ा सा सोल्यूशन बता रही हूँ सिर्फ मैं रीड आउट कर दी हूँ क्वेश्चन को क्वेश्चन इज विच गैस इज प्रोड्यूस वेन डायल्यूट एस सी एल इज एडिड टू अ रिएक्टिव मैथड एक मेटल है कोई भी मेटल है जब आप इसमें डाइल्यूट एच सी एल एड करते हो तो आपको पूछा है विच गैस इज रिच गैस इज प्रोड्यूस तो आप रिएक्शन लिखोगे बिकॉज यू हैव टू राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन ऑल्सो तो आप ये रिएक्शन लिख दो कोई भी मेटल सॉलिड है तो ये क्या बन जाएगा एम सी एल टू प्लस एच टू आफ्टर द नेक्स्ट पार्ट इज दैट विन आयरन इसी में नेक्स्ट पार्ट है इफ आयरन रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड अगर आयरन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या रिएक्शन होगी तो वो भी आपको लिखनी है दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन इन टेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी आएगा आपका इन टेक्स्ट का आई डोंट नो द पेज नंबर पर नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कर रही हूँ द क्वेश्चन इज वट वुड यू ऑब्जर्व वेन जिंक इज एडिड टू अ सोल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक इज एडेड टू जिंक को किसमें ऐड किया गया है आयरन सल्फेट में मींस एफ ई एस ओ फोर यू नो अबाउट द फॉर्मूला ऑफ आयरन सल्फेट दैट इज़ एफ ई एस ओ फोर इफ़ यू विल ऑब्जर्व समथिंग ऑब्जर्व का मतलब क्या है मैंने आपको पहले भी बताया ऑब्जर्वेशन जब होती है इट मीन्स वट विल हैपन वट वड यू ऑब्जर्व तो उसके लिए आपको क्या बताना पड़ता है यू हैव टू टेल कि आपको क्या दिखा कोई गैस दिखा कोई प्रेसिपिटेट दिखा और आइदर अ कलर चेंज वाज देयर तो यू ऑल नो दैट द कलर ऑफ़ आयरन सल्फेट इज़ ग्रीन कलर व्हेन यू ऐड जिंक जिंक विल डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम आयरन सल्फेट सॉल्यूशन एंड इट्स कलर जो इसका कलर होगा इट कलर ऑफ फेरस सल्फेट फेड्स अवे तो ऑब्जर्व को जो पूछा जाता है तो आपको लिखना होता है व्हाट वुड यू ऑब्जर्व तो आपने यहां पर यह ऑब्जर्व किया ठीक है ये ऑब्जर्व करने के बाद आपने ये राइट डाउन कर दिया तो उसके बाद केमिकल रिएक्शन लिखती ठीक है नेक्स्ट है आयोनिक कंपाउंड्स के बाद जो आपके ब्लू लाइन क्वेश्चन होंगे वहां पर आपके क्वेश्चन है सबसे फर्स्ट है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर यू हैव टू राइट डाउन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम एन ए ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम कोई प्रॉब्लम है नहीं होनी चाहिए यू कैन इजीली राइट डाउन द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन इसका यू हैव टू शो द फॉर्मेशन ऑफ एम जी ओ एंड एन ए टू ओ फॉर्मेशन दिखानी है इनकी ये भी सिंपल है आई हैव ऑलरेडी डिस्कस नेक्स्ट आपको बताना इसी में व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट इन इट व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड तो आपको पता है एम में क्या प्रेजेंट होता है एम जी टू प्लस एंड ओ टू माइनस मतलब मैग्नीशियम आयन एंड ऑक्साइड आयन और इसमें क्या प्रेजेंट होता है एन ए प्लस एंड ओ टू माइनस सोडियम आयन एंड ऑक्साइड आयन तो आपको ये आयंस लिखने हैं जो आयंस इसमें प्रेजेंट होते हैं तो ये थ्री पार्ट्स थे जो आपके आइनी कंपाउंडस के बाद इंटेक्सट क्वेश्चन है वहाँ जो दिया हुआ है ठीक है उसके बाद यहीं पर इंटेक्सट क्वेश्चन दूसरा दिया हुआ है वाई आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट आई डोंट थिंक सो कि आपको कुछ बताने की जरूरत है अब ठीक है नेक्स्ट हम आते हैं इसके बाद जो आपके इंटेक्स क्वेश्चन होंगे दैट विल बेस्ड ऑन द मेटलर्जी और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल वो आपके सिलेबस में नहीं है तो जो इसके बाद के जो लास्ट क्वेश्चन आपका होगा वाई डू आइनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट आफ्टर दैट आपकी जितनी भी ब्लू लाइन क्वेश्चन है आपको वो नहीं करने बिकॉज दैट बिलोंग्स टू द पार्ट विच हैव ऑलरेडी कट इट डाउन सो नाउ लेट एस मूव टू आर एनसीआरटी एक्सरसाइज जो हमारी मेन एन सी आर टी एक्सरसाइज है ठीक है एनसीआरटी एक्सरसाइज लेट मी डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन द फर्स्ट क्वेश्चन इज आपको एम सी क्यू है विच इज द फॉलोइंग फेयर विल पेयर विल गिव द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फर्स्ट आपको पेयर दिया हुआ है इसमें ए पेयर एन ए सी एल प्लस कॉपर सेकेंड पेयर दिया हुआ है एम जी सी एल टू प्लस एल्यूमिनियम थर्ड दिया हुआ है एफ ई एस ओ फोर प्लस ए जी ठीक है नेक्स्ट दिया हुआ है आपको एम सी क्यू नहीं है सिर्फ बताना है इसमें दिस इज नॉट अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको बताना है इन फोर पार्ट्स में से विच वन विल गो अंडर गो डिसमेंट रिएक्शन एंड विच वन नॉट एंड वाई इस फोर पार्ट में से विच विल अंडर गो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड विच वेर नॉट एंड वाई वाई ऑल्सो यू हैव टू टेल कि किस लिए डिसप्लेसमेंट uh, रिएक्शन हो रही है वो भी आपको बताना है हो रही है या नहीं हो रही ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल फॉर प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम रस्टिंग बेसिकली आप लोग रस्टिंग को पहले चैप्टर में भी पढ़ चुके हो बट इस चैप्टर में वो कट हो चुका है ठीक है बट फिर भी आपको पता है इसमें बताने की जरूरत नहीं है तो आप क्या आप क्या यूज़ करोगे नेक्स्ट आपका आता है थर्ड क्वेश्चन एन एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन विद ऑक्सीजन टू गिव अ कंपाउंड विद हाई मेल्टिंग पॉइंट द कंपाउंड इज ऑल्सो सॉल्यूबल इन वाटर थर्ड क्वेश्चन है आपका बेटा थर्ड क्वेश्चन इज गिवन थर्ड क्वेश्चन इज ए दिया हुआ है कैल्शियम बी दिया हुआ है कार्बन सी दिया हुआ है सिल्कन डी दिया हुआ है आयरन आप पहले मैं आपको बता दूँ कार्बन एंड सिल्कन नॉन मेटल ठीक है कैल्शियम इज मेटल एंड आयरन इज ऑल्सो मेटल ठीक है अब आपको इसमें बताना है एन एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू व गिव अ कंपाउंड विद हाई मेल्टिंग पॉइंट अब इन इनमें से किसी के एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है टू वी गिव अ कंपाउंड विच इज हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है एंड ऑल्सो इट इज सॉल्युबल इन वाटर वो वाटर में भी क्या है सॉल्युबल है ऑल्सो इट इज सॉल्युबल इन वाटर तो यू हैव टू टेल अस विच ऑफ द वी आर टॉकिंग अबाउट विच एलिमेंट ठीक है तो आपने आपने देखा होगा जनरली कार्बन हमने नॉन मेटल की ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा रिएक्शन पड़ी नहीं है और वैसे भी जब हम हाई मेल्टिंग पॉइंट और सॉलिबल इन वाटर की बात करते हैं ठीक है तो आपको uh, जो हम अगर मैं कैल्शियम ऑक्साइड और लाइम की बात करूँ ये भी बनता है कैल्शियम ऑक्साइड भी बनता है ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है ऐसा ही ओ टू भी बनता है आपको पता है सी ओ टू इज़ अ गैस वो तो गैस या स्टेट में एक्जिस्ट करता है अगर कार्बन को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं तो हाई मेल्टिंग पॉइंट का कोई मतलब ही नहीं होता दूसरा ऐसा ही सिलिकन के साथ अगर ऑक्सीजन की रिएक्ट करते हैं तो एक ऐसा आपका कंपाउंड बनता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है ठीक है बट इट इज़ नॉट सॉल्युबल इन वाटर जो आपका जो ये अगर मैं इसकी बात करूँ इट इज़ नॉट बेसिकली सॉल्युबल इन वाटर एस आई ओ टू एक कोवलेंट कंपाउंड है ये सॉल्युबल नहीं होता वाटर में ठीक है मैं लिख देती हूँ सी ओ टू बनेगा तो वो गैस बनेगा इट मीन्स मेल्टिंग पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट का था एस आई ओ टू बनेगा तो नॉट सॉल्युबल इन वाटर बनेगा नॉट सॉल्युबल ठीक है एफ ई टू ओ थ्री बनेगा अगेन इट इज़ नॉट सॉल्युबल तो बचा कौन सा आपका सिर्फ बचा क्या कैल्शियम तो आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है ठीक है उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है फूड कैंस आर कोटेड विथ टिन एंड नॉट विथ जिंक बिकॉज फूड जो कैंस होती हैं फूड कैंस दे आर कोटेड विथ टिन टेन एंड नॉट विथ जिंक तो आप ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है बिकॉज जिंक इज कॉस्टलियर देन टिन जिंक हैज ए हायर मेल्टिंग पॉइंट जिंक इज मोर रिएक्टिव जिंक इज लेस रिएक्टिव तो जो टिन होता है उसका सिंबल होता है एस एन ठीक है तो ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है टिन किस टिन के इसलिए बने होते हैं बिकॉज जिंक जो है ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू टिन ठीक है अब नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है यू आर गिवन यू आर गिवन अ हैमर अ बैटरी अ बल्ब वायर एंड अ स्विच अब आपको बताना है हाउ विड यू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैंपल ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल आपको एक हैमर दिया हुआ है फिफ्थ क्वेश्चन में आपको एक हैमर दिया हुआ है आप बैटरी दी हुई है अब बल्ब दिया हुआ है वायर दिया हुआ है और स्विच दिया हुआ है अब आपको बताना है कि आप इनके बेसिस पे मेटल और नॉन मेटल के बीच में डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे तो सबसे पहले आप हैमर का यूज़ करोगे मेटल विल प्रोड्यूस सोनोरस साउंड नॉन मेटल डज नॉट उसके बाद आप मेटल का यूज़ करके एक आपका पूरा का पूरा एक सेटअप कंडक्ट करोगे आपको पता है मेटल विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट नॉन मेटल डज़ नॉट ठीक है नेक्स्ट उसके बाद आता है अस एज द यूजफुलनेस ऑफ दिस टेस्ट इन डिस्टिंग बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल तो आपको आप कर सकते हो इसलिए कि जब आप आ, मेटल अगर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक सर्किट हम अगर आप सिंपली क्या करते हैं ब्रेक करते हैं हेमर को लेंगे तो नॉन मेटल ब्रेक हो जाएंगे मेटल विल प्रोड्यूस सोनर हाउ ठीक है उसके बाद है अगर आप लेते हैं इसमें इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं बाई यूजिंग द मेटल अगर आप स्विच को ऑन करते हो तो मेटल के केस में इलेक्ट्रिसिटी ग्लो करेगी नॉन मेटल के केस में बल्ब ग्लो नहीं करेगा ठीक है नेक्स्ट आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉट आर एम्फोटारिक ऑक्साइड यू हैव टू गिव एग्जाम्पल ऑफ एम्फोटारिक ऑक्साइड आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस क्वेश्चन वंस अगेन नेक्स्ट नेम टू मेटल्स विच विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड ऐसे दो मेटल जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सके तो जो हाइड्रोजन से अबाव होंगे सीरीज में मैगनीशियम उगया जिंक आयरन एंड यू हैव टू नेम टू मेटल्स विच विल विच विल नॉट एबल टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन तो एक तो हम बार बार पढ़ते हैं कॉपर एंड सेकेंड आप सिल्वर का लिख सकते हो उसके बाद क्वेश्चन नंबर एट इट विल बी कट डाउन बिकॉज ये मेटलर्जी का पार्ट है क्वेश्चन नंबर एट नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर वेट क्वेश्चन नंबर है आपका स्पैचुला एंड हीट इट इज क्लाइस दैस इवॉल्व बाय दस फॉर द रिएक्शन टेक इस अच्छा सल्फ़र के साथ रिएक्शन है सल्फ़र पाउडर सल्फर के साथ रिएक्शन है ऑक्सीजन की तो आप कर सकते हो एसो टू बनेगा ये तो आपको बता रखा है बेसिकली नॉन मेटल की और सल्फर प्लस ऑक्सीजन एसो टू बनेगा और जब आप इसे वाटर में डिजोल्व करते हो तो एस टू एस ओ थ्री बनता है जैसे सल्फ्यूरस एसिड तो ये क्या करेगा इसका एक्वे सॉल्यूशन इट विल टर्न्स आपका इट विल टर्न्स ड्राई लिटमस पेपर पर तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा देखिए लेकिन जब आप मॉइस्ट लिटमस पेपर हो गए तो मॉइस्ट लिट्टर पेपर ब्लू से रेड टर्न हो जाएगा क्योंकि अगर ड्राई है गैस तो गैस तो चेंज नहीं करेगी कलर वाटर के कॉन्टैक्ट में आके ही तो ये सल्फ्यूरस एसिड बना है एसिडिक ऑक्साइड तो तभी तो आपका ब्लू से रेड लिटमस चेंज होगा उसके बाद बैलेंस इक्वेशन मैंने लिख ही दिया है नेक्स्ट स्टेट टू वेज टू प्रिवेंट द रस्टिंग फ्रॉम आयरन ये आपको पहले पढ़ाया हुआ है इस चैप्टर में पढ़ने की जरूरत नहीं है ये उसके बाद है व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड फॉर्म व्हेन नॉन मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स बनते हैं पता है ना आपको नेक्स्ट रीजनिंग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व फर्स्ट वन इज प्लैटिनम गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज टू मेक ज्वेलरी ऑब्वियसली बात है दे शाइन होते हैं एक तो मेटल है शाइनी होते हैं करॉड नहीं होते ईजिली इन इनर्ट होते हैं नेचर में तो बहुत सारे रीज़न है सोडियम पोटेशियम लिथियम स्टोर्ड अंडर ऑयल क्लियर है हमें जरूरत नहीं है दोबारा समझाने की थर्ड पार्ट एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल आपका जो नेक्स्ट पार्ट है एल्युमिनियम इज़ हाईली रिएक्टिव मेटल येट इट इज़ यूज टू मेक यूटेंसिल फॉर कुकिंग आपको ये मैंने बताया था कि एल्यूमिनियम जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोटिंग बना लेता है दैट इज एल टू ओ थ्री विच विल एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव लेयर सो इट विल यूज फॉर मेकिंग द यूटेंसिल्स फॉर कुकिंग उसके बाद क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व का डी पार्ट कट है बिकॉज इट बिलोंग्स टू द मेटोलॉजी ओके उसके बाद हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर थर्टीन में द क्वेश्चन नंबर थर्टीन इज दैट यू हैव मस्ट हैव सीन दैट आपने देखा होगा दैट कॉपर वेसल्स बींग क्लीन विद लेमन और टैमरिन जूस ठीक है ऐसा क्यों है जो आपके कॉपर वेसल्स होते हैं कॉपर वेसल्स वी क्लीन दैट विद क्लीन विद सॉट सब्सटेंस बेसिकली हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सॉट सब्सटेंस के साथ हम उन्हें क्लीन करते हैं सॉट सब्सटेंस आपको उसका रीजन बताना है वाई दे क्लीन विद सॉर्ट सब्सटेंस द रीजन बेसिकली इज दैट कॉपर जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है मैं पूरा रिएक्शन लिख रही ली कहीं पर हमने कॉपर ऑक्साइड भी बताया था कॉपर हाइड्रोक्साइड भी बनाया था बेसिकली होता है क्या है कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ एटमोसफियर फॉर्म दिस कंपाउंड ये कंपाउंड बोलता है इसे हम बोलते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट बेसिक कॉपर कार्बोनेट बनता है बेसिकली हम कहीं बार कॉपर हाइड्रोक्साइड भी लिखते हैं कॉपर और, और कार्बोनेट भी लिखते हैं तो बेसिक कॉपर कार्बोनेट बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर और बेसिक के बेसिसिटी को हटाने के लिए बेसिस बेसिक कंपोनेंट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे एसिडिक सो टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट और टू डिजोल्व दिस बेसिक कंपोनेंट ये ग्रीन कलर की कोटिंग सी हो जाती है आपके कॉपर के वेसल्स पे आपने देखा होगा ये इसी वजह से होती है सो टू रिमूव दिस बेसिक लेयर वी यूज और लेसॉर सब्सटेंस विच आर एसिडिक इन नेचर तो आई होप इतना क्लियर हो गया था नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आप लोग खुद कर सकते हो अदरवाइज मैं एक टेबल आपको सेंड कर दूँगी आप उसमें से नोट no डाउन कर लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन है ये क्वेश्चन रिलेटेड आपको से है मैंने आपको बता दिया था और वीडियो में ये बहुत ऐसे ही एग्जाम्पल दे मैंने आपको समझाया था आपको खुद लिखना है नेक्स्ट वाई गिव रीज़न वाई कॉपर इज़ यूज टू मेक हॉट वाटर टैंक्स बट नॉट स्टील ये बेसिकली आपका अलॉय से रिलेटेड क्वेश्चन है तो अलॉयज भी हमारे सिलेबस में आए नहीं है बट आप सिंपल लिख सकते हो कॉपर ज़्यादा अच्छा कंडक्टर होता है हीट एंड हीट का देन स्टील एंड ऑल्सो अगर कॉपर कॉपर के वेसल्स में कॉपर टैंक कॉपर के कॉपर को आप यूज़ करोगे एज ए हॉट वाटर टैंक्स तो आपको पता है कॉपर वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता बट स्टील कर जाता है तो इसलिए भी कॉपर बेटर है ठीक है सो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर नंबर थर्ड इफ यू आर हैविंग एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी अगर आपको कोई भी कहीं से भी कुछ प्रॉब्लम लगे तो आप इजिली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो थैंक यू सो मच फॉर टूडेज लास्ट बिटाइम